हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत कुछ शायरियों के साथ करना चाहूँगा। काश मेरे होठ तेरे होठों को छू जाए, देखूँ जहाँ बस तेरा ही चेहरा नजर आए। हो जाए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा, होठों के साथ हमारे दिल भी जुड़ जाए। मोहब्बत के रंग में डूबी शाम हो, एक नई शुरुआत का पैगाम हो। मिले तेरे होठ मेरे होठों से ऐसे, जैसे मेरे होठ तेरे और तेरे होठ मेरे नाम हो। अब चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था किस करने का सबसे सही तरीका, उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया और दोस्तों उसमें कई कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कॉमेंट किए कि दोस्त के पहला किस कैसे किया जाए, या तो फिर ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए किस करने में। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो उन सभी को लिए डेडिकेट है जो लोगों ने डिमांड की थी। इसलिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस करने में ये गलतियां ना करें, या तो फिर हाउ टू फर्स्ट किस, पहला किस कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं सबसे पहले 6 टिप्स बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखने हैं, और लास्ट में कुछ ऐसी चेतावनी बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, अगर नहीं रखी तो आपको तकलीफ पड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए पहले टिप्स देख लेते हैं। दोस्तों, सारी टिप्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, मैं दोनों के लिए बताऊंगा। तो चलिए, 6ठे नंबर पर है कीप योर लिप्स एंड माउथ गुड, मतलब कि आपको अपने होठों और मुंह को अच्छा रखना है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर लड़कियाँ हैं तो लिपस्टिक कर सकती है, या तो चैपस्टिक लगा सकती है और अपने होठों को और सुंदर बना सकती है और अपनी सांसें ताज़ा रखे, अच्छा स्मेल करे। लड़के से मिलने से पहले सुगंधित आप माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा लड़के भी कर सकते हैं। और लड़कों के लिए एक और टिप है कि भाई अच्छा शेविंग कर सकते हैं ताकि वो मुलायम स्किन रहे, वो किस करने में अच्छा रहता है। दोस्तों, यह सुझाव आप में ना केवल और अधिक आत्मविश्वास जगाएगा, बल्कि जब आप एक लिप लॉक के लिए जाएंगे तो वे सूक्ष्म संकेत भेजेंगे, जैसे कि एक अच्छा माहौल बनाएगा और दोनों को मजा आएगा। इसीलिए दोस्तों दोनों के लिए एक टिप्स है, अपने लिप्स और माउथ कैसे फ्रेश रखने हैं। दोस्तों, कई लड़के होते हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, तो दोस्तों गूगल या तो फिर यूट्यूब में आपको ऐसे और तरीके मिल जाएंगे कि कैसे मुंह की बदबू को दूर करें, तो आप वहाँ से देख कर सीख सकते हैं। 5वें नंबर पर है गेट क्लोजर एंड कॉन्टेक्ट विथ आइज। दोस्तों, ये टिप पहले लड़कियों के लिए समझ लेते हैं। लड़के के कंधे पर अपना सिर झुकाए, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं, उसे देखें। अगर उसकी बाहें आपके चारों ओर हैं तो उसे किस करें, यदि नहीं या यदि वह चीज़ों को उस तरह से नहीं ले रहा है जैसे आप ले रहे हैं, तो वह अभी तक तैयार नहीं है, तो अब आप शांत हो जाए। अब लड़के इसमें क्या करें, अगर वह लड़की सहज है और कहीं और नहीं देख रही है तो वह तैयार है, उसे देखते रहे। जब आप उससे बात करते हैं, जब वह आपसे बात करती है और जब दोनों शांत है तब भी, यानी कि दोस्तों उनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, और यही किस करने का पहला स्टेप है। दोस्तों, 4ठे नंबर पे जो टिप है वो है गिव अ सिग्नल व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि दोस्तों आपको भी सिग्नल देना है आप क्या कहना चाहते हैं, और सामने वाले के संकेतों को भी पहचानना है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस विचार को उसके दिमाग में डाल सकते हैं, इनकी कोशिश करें मैं जो बताने वाला हूँ। उसके होठों को देखें, अपनी नज़र और पलकों को आधा झुका दें। हाँ दोस्तों, ये ध्यान से समझना, उसके होठों को देखना है, अपनी नज़र पलकों को आधा झुका देना है, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर देखें, उसे एक प्यारी सी मुस्कान दे, स्माइल दे, उसके गले में अपनी बाहें डाल दे, या हल्के से उसकी नेक लाइन पर बालों के साथ खेले। इससे उसे पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, ये एक संकेत हो गया। धीरे धीरे अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाए, पास आना बताता है कि आप और अधिक संपर्क में आना चाहते हैं, आप माइंडसेट करके आए हैं किस करने का। तो ऐसे संकेत आप खुद दे सकते हैं, अब आपको भी उनके संकेतों को समझना है। कैसे, दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी संकेत आपको भ्रमित भी कर सकते हैं और लेने के देने पड़ सकते हैं। वह आपके साथ फ्लर्टिंग कर रही है लेकिन फिर आपसे दूर भी जा सकती है, ये सिर्फ मस्ती भरा खेल हो सकता है, या वह वास्तव में आपसे दूर जाना चाह सकती है। अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या आप दोनों साथ में आरामदायक, वार्म और करीबी समय बिता रहे हैं,
क्या वह अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपके साथ फ्लर्टिंग कर रही है? दोस्तों ये सब संकेत देखने लायक है। और अगला, क्या वह अपने होठ लिंक कर रही है या आपको देखते हुए निचले होठ को काट रही है? दोस्तों ये 3 सवाल आपको पूछने हैं और आपको सारे संकेतों का पता चल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि वो क्या करना चाहती है और आराम से आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये संकेत को देखना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरे नंबर पे जो टिप मैंने रखा है, थिंक ऑन स्टार्टिंग। हाँ दोस्तों ये पॉइंट बहुत समझने लायक है। कैसे शुरुआत करनी है उस पर भी आपको सोचना चाहिए। कुछ लड़के बहुत ही शर्मीले होते हैं और वे और भी ज़्यादा, जिनको कई बार लड़कियों ने इग्नोर किया, ये लड़के बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। उसे हल्के से किस करने पर विचार करें, ये टिप्स दोस्तों लड़कियों के लिए हैं। और उसे दिखाए कि आपको स्पर्श से कोई दिक्कत नहीं है। कई लड़के व्यक्तिगत होने के विचार से घबरा जाते हैं, इसलिए लड़कियाँ खुद शुरुआत करें अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब लड़के क्या करें? कई लड़कियाँ और महिलाएं दूसरों के सामने ज़्यादा बात करना नहीं चाहती है, खासकर अगर यह उनका पहला एक्सपीरियंस है तो। सही समय का पता लगाएं। जब आप अकेले हो तब व्यक्तिगत हो, सामने वाली GF हो या फिर महिला हो, उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें और उनकी इच्छा के मुताबिक धीरे धीरे आगे बढ़े। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो टिप रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है टच, यानी कि स्पर्श। दोस्तों छोटे फिजिकल टच के साथ शुरू कीजिए। यह उसे बताता है कि क्या होने वाला है, वो माइंडसेट कर ले। अगर वह असुविधाजनक यानी कि अनकम्फर्ट रहा तो उसे पीछे हटने का मौका भी मिल सकता है, और ऐसे मौके दीजिए दोस्तों। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो इन चीज़ों का प्रयास करें, जैसे कि अपने हाथ उसके कंधों पर रखें, ये एक छोटा फिजिकल टच हो सकता है। उसका हाथ पकड़े, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरा, उसके बाल उसके चेहरे से दूर हटाएं। ये 3 छोटे छोटे फिजिकल टच है, इसी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो पीछे हट सकते हैं, या तो फिर आपकी भी इच्छा नहीं है तो वो ऐसा करे तो आप भी पीछे हट सकते हैं। ऐसा मौका दोनों को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे छोटे फिजिकल टच से स्टार्ट करें, जिससे आप आराम से दोनों की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ सकें। दोस्तों नंबर 1 पे है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये करना ही करना है। बी हम्बल एट फर्स्ट। दोस्तों पहली बार में विनम्र रहना है। पहले कुछ किसेज में जीभ दांत बाहर ना लाए या जोर से गले ना लगाए, जैसे कि बहुत दिनों के भूखे हो ऐसे टूट ना पड़े दोस्तों, क्योंकि किस एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। इसके बजाय अपने होठ मुलायम और थोड़े दूर रखें और आराम से सॉफ्ट किस करें। आप चाहे तो उनकी कमर से उनको पकड़ सकते हैं, उन्हें आराम से हग करवा सकते हैं, उनकी आंखों में देख सकते हैं और आराम से आप जो चाहे कुछ सेकंड्स तक किस कर सकते हैं। और दोस्तों इसे धीरे धीरे से समाप्त करें, शांत रहे और उसे गले लगाए। एक लवली इंटीमेट पल में पहला किस समाप्त करें। उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए कि जैसे कि कोई सच में कोई हम सफ़र है जिसने मुझे किस किया है, ऐसा नहीं कि कोई भूखा था उसने किस किया है। तो दोस्तों ऐसा एहसास करवाए और खुद भी करें। और जैसा दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं वीडियो के एंडिंग में चेतावनी दूंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वो चेतावनी देख लेते हैं। मोनो यानी कि मानो न्यूक्लियोसिस और मौखिक दाद का ध्यान रखें। ये क्या है चलिए समझते हैं। दोस्तों अगर किसी के मुंह के आसपास एक घाव है, या तो दाग है, या तो फिर कुछ लगा हुआ है, या और कुछ है जैसे कि जो दाद के संकेत दे रहा है, जो एलर्जी या तो फिर कुछ और हो सकता है, तो दोस्तों अगर आपके या उनके मुंह के आसपास ऐसा कोई घाव है तो किस करने से बचे, ये आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि उससे कोई भी रोग या तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में दूर रहना ही समझदारी है। तो दोस्तों ये थी 6 ऐसी टिप्स किस करने में गलतियाँ नहीं करनी और कैसे करनी है पहली किस, और लास्ट में थी चेतावनी। चलिए दोस्तों वीडियो के एंडिंग में अप्रिसिएटिंग कमेंट स्पीक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, किस करने का सबसे सही तरीका। उसमें राजेंद्र ने थैंक्स भाई आगे बढ़ो ऐसा कमेंट किया है, और अब्दुल खालिक ने वेरी गुड मेरे भाई आप बहुत आगे जाओगे, दोनों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया है, दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।